मैं हूँ समीला खान और आप देख रहे हैं लैंग्वेज टी वी फिगर ऑफ़ स्पीच लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर इससे पहले एजोनेंस एजोन कॉन्जोनन्सिट्रेशन सिबिलेंस से मुलिक लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जहाँ क्लिक करके आप सुन सकते हैं तो अब आइए सिमिली की तरफ वट इज सिमिली सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कम्पेयर टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक आर एज तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में कंपेयर करना कौन से वर्ड यूज़ करके लाइक आर एज यूज़ करके कैसे लाइफ इज अ लाइक ऑफ बॉक्स ऑफ चॉकलेट लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स जिंदगी की बेसबाती को अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ उसको कंपेयर करने के लिए हमने बॉक्स ऑफ चॉकलेट से तशबी दी है उर्दू में इसको तशबी कहते हैं ही रैन एज फास्ट एज लाइटनिंग वो इस तरह तेज भागता है जिस तरह के एज लाइटिंग जैसे रोशनी की रफ्तार तेज हो अक्रम इज ब्रेव एज ए लाइन अक्रम ब्रेव है किस तरह जैस लाइन की तरह एज ए लाइन दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स वो कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं ये जो की तरह है ना या जैसे ऐसे एज यानी कि ये जो है ये सिमिली की निशानी है हम जानते हैं कि वट इज मेटाफर मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अ एक तरह की नहीं होती दैट आर नॉट सिमिलर बट Do have something in common. Another definition a word or a phrase that is used in an imaginative way to show that something or somebody has the same qualities as another thing. Metaphor is a common figure of speech that makes a comparison by directly relating one thing to another unrelated thing. Unlike similes, metaphors. टू नॉट चूज वर्ड सच एज लाइक आर एज मेटाफर में लाइक और एज यूज नहीं होता कंपेरिजन करने के लिए बल्कि डायरेक्ट उस चीज को वो ही चीज कह दिया जाता है कैसे एग्जाम्पल देखें लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसन अनिलीला इज अ मून कहा अनिल इज लाइक अमून हम डायरेक्ट ही वो क्वालिटीज मून वाली कुछ क्वालिटीज अनिल के फेस में हमें नजर आई उन्होंने कह दिया अनिल इज अ मून दील में हमें कुछ नजर आया हमने ये नहीं कह दिया सिमिली की तरह कि इज लाइक अ अ मून ना इज लाइन वो खुद शेर है ये नहीं कहा कि उसमें खसूसियात तो है उसमें शेर वाली लेकिन हमने तस्बी नहीं दी हमने डायरेक्ट कह दिया अदील इज अ लाइन तो ये क्या हो गया मेटाफर हो गया मेटाफर का लफ्ज जो है ग्रीक मेटाफोरा से निकला एज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर फॉर रेटिकल इफेक्ट गुड बाय